प्यारे बच्चों, आशा है आप सब से परिवार ठीक ठाक होंगे। ऑनलाइन कक्षा के इस प्रारूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के क्षितिज भाग दो में काव्य खंड के प्रथम अध्याय में शुरू करेंगे। पहले अध्याय का नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास के पदों के बारे में जानने से पहले हम सूरदास का कवि परिचय पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन में तथा उनकी साहित्यिक क्या भूमिका रही उनकी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में प्राय मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म आगरा के समीप रेणुका क्षेत्र में हुआ और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सिंही नामक ग्राम में हुआ, यानी दो जगह इनका जन्म माना जाता है। क्या सच्चाई है ये अभी तक सामने नहीं आया है। ये सारस्वत ब्राह्मण चंद्रवरदाई के वंशज माने जाते हैं। बाल्यावस्था से ही ये अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे और विद्या ज्ञान में ये निपुण थे। इनके बचपन में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई थी। अनेक लोग इनके सेवक भी बन गए थे और ये स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे थे। तरुणावस्था आते आते, यानी जब ये जवान हुए, तो इन्हें संसार से विरक्ति हो गई, यानी संसार की जो मोह माया है उससे विरक्त हो गए तथा ये मथुरा के पास विश्राम घाट पहुंच गए। यहाँ इन्होंने थोड़े से दिन रहने के बाद वृंदावन मथुरा के बीच यमुना किनारे गऊ घाट पर रहने लगे। सूरदास जी की यहाँ पर भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विनय और दास्य भाव के पद गाया करते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के एक दासता के भाव और उससे विनय भाव से उनको प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के कुछ पद, यानी काव्य रूप में वो गाया करते थे, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। वल्लभाचार्य से प्रेरणा के बाद इन्होंने मुख्य सांख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव के पदों की रचना की। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया। एक बड़ा प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी का मंदिर, वहां पर इनको पद गाने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु आज तक ये निश्चय नहीं हो पाया कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, या बाद में अंधे हुए थे। श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप ही पारसोली नामक गांव में 1583 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये हमने सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ जाना। अब इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। वैसे तो इतिहास में इनकी 24 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी तीन जो रचनाएं हैं वो प्रामाणिक मानी जाती हैं और वो काफी प्रसिद्ध भी हैं। सबसे पहले है सुरसागर। इसकी रचना भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। इसके अलावा सुरसारावली, इसमें 1100 छंद हैं। छंद जिस प्रकार से पद होते हैं वैसे ही छंद होते हैं। तीसरी इनकी जो साहित्यिक कृति है उसका नाम है साहित्य लहरी। सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है ये, और इसका अर्थ
गायन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है साहित्य लहरी में। इसके जो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है, ये अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण है। महाकवि सूरदास जी के साहित्य की अन्यतम विशेषता भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है, यानी मुख्य बात है, ये भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। इन्होंने अपने समस्त काव्य में भगवान श्री कृष्ण की सगुण साकार ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठा करते हुए आराधना की है। यही कारण है कि वैसे तो सूर सागर में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख है, परंतु कृष्णावतार का उल्लेख करना इनका मूल ध्येय था। इन्होंने विनय दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। इनके साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनका बाल लीला वर्णन है, यानी इन्होंने अपने साहित्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अपने बाल लीला से संबंधित पदों में इन्होंने ब्रजभूमि के मधुर परिवेश, गोपियों के हाव भाव और गोप बालकों के भोले और सहज स्वभाव के मनोरम एवं मार्मिक चित्रण के साथ साथ बाल कृष्ण की लीलाओं का सजीव चित्रण अपने साहित्य में किया है। इनके द्वारा प्रस्तुत बाल लीला का सजीव चित्र देखकर कुछ विद्वानों को लगता है कि ये जन्मांध नहीं थे, यानी इनके जो साहित्य में श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का जो वर्णन जिस प्रकार से आया है, उसको लगता नहीं कि वो जन्म से ही अंधे थे। दुनिया की ममतामयी से ममतामयी माँ भी इनके वात्सल्य भाव का मुकाबला नहीं कर पाती। इनके साहित्य की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता श्रृंगार वर्णन है। यहाँ भी इन्हें श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में आशातीत सफलता मिली है, यानी संयोग में भी और वियोग में भी इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य रचा है। भ्रमर गीत के माध्यम से इन्होंने गोपियों की विरह कथा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, और इससे आगे मैं आपको इसी प्रकार का, इसी में से जो ये भ्रमर गीत का जो गोपियों का संदेश उद्धव के माध्यम को से दिया गया है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। यह अद्भुत है कि इसके अलावा इनके निर्गुण ज्ञान के खंडन से संबंधित पद भी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखते हैं। अब हम बात करेंगे महाकवि सूरदास की भाषा शैली के बारे में, क्योंकि सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के आसपास इन्होंने अपना जीवन यापन किया, इसलिए इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और आंशिक रूप से देशज शब्दों की प्रचुरता है, यानी जो देसी शब्द अपनी बोलियों में होते हैं उन शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। सूरदास जी की भाषा प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी भाषा में सायास और अनायास रूप से शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया, यानी शब्द अलंकारों का प्रयोग भी किया है और अर्थ अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास, रूपक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। सूरदास जी छोटे से छोटे पद में भी वार्तालाप शैली का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। तो ये हमने आज सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जाना। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। एक नया माध्यम है, हम और आप दोनों इकट्ठे सीखेंगे। कोरोना का समय है, आप सभी घर में रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और खुद को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।